वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान हाल ही में न्यूयॉर्क से छुट्टियां मनाकर मुंबई वापस लौटी है। पिछले दिनों सारा दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क में वेकेशंस एंजॉय करती हुई नजर आई थी। मुंबई वापस लौटते ही सारा अपने दोनों भाइयों से मिलने पहुंची। छोटे भाई तैमूर अली खान और इब्राहिम अली खान। सारा ने अपने इंस्टाग्राम पर भाइयों की फोटो शेयर करते हुए लिखा है, माय ईस्टर बनीज। इस तस्वीर में दोनों भाइयों की बॉन्डिंग देखते ही बन रही है। तस्वीर में इब्राहिम ब्लैक कलर के टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, जबकि तैमूर ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं। इब्राहिम और तैमूर की ये तस्वीर लोगों को काफी पसंद आ रही है। एक इंटरव्यू में सारा ने बताया था कि तैमूर से वो कम ही मिल पाती है, लेकिन वो ऐसा है कि जहाँ भी जाता है खुशियों से भर देता है। वो घर में खुशियों का पिटारा है जो कि मेरे पापा के काफी क्लोज हैं। बता दें कि सारा वेकेशन से वापस आने के बाद अपनी फिल्म लव आजकल 2 की शूटिंग में बिजी हो गई हैं। इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग उदयपुर में हो रही है, जहां कार्तिक आर्यन और रणदीप हुड्डा शूटिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही सारा अली खान भी दोनों को ज्वाइन करने वाली हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में रणदीप हुड्डा भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के लव गुरु बनते हुए नजर आएंगे रणदीप हुड्डा। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के अलावा रणदीप हुड्डा भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। पहले रिपोर्ट्स आई थी कि रणदीप हुड्डा इस फिल्म में सारा अली खान के पापा का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को प्यार के गुर सिखाएंगे। बता दें कि फर्स्ट शेड्यूल दिल्ली में शूट किया गया, जहां सेट से फोटो और वीडियोस लगातार लीक होती रही। वहीं आपको बताते चलते हैं कि सारा लव आजकल 2 के बाद वरुण धवन के साथ कूली नंबर 1 के रीमेक में भी नजर आएंगी, जिसे डेविड धवन डायरेक्ट करेंगे। पिछले दिनों सारा अली खान अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब छाई हुई थी। खबर थी कि सारा और सुशांत का ब्रेकअप हो गया है। इतना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया। दोनों की लड़ाई की वजह है सारा अली खान। खबरों की माने तो दोनों के रिलेशन में दरार आने की वजह है सारा अली खान का पॉजिटिव होना। सारा रिलेशन में आने के बाद सुशांत के हर काम पर नजर रख रही थी। तो फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।